ये फिल्म के बाद ऐसी कोई अगर फिल्म होगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज़ दिस इज़ अ जॉनर विच आई लाइक द मोस्ट. हम लोग अभी नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं, तो उसमें ये साइंस फिक्शन फिल्म्स इतनी एक्साइटिंग होती हैं, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट्स लिखी जाती हैं, और आत्मजा इज़ लाइक द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट. सो अगर इसके बाद अगर और भी राइटर्स आएँ, आत्मजा ने भी अगर अच्छी कोई स्क्रिप्ट लिखी और इफ़ शी गिव्स अस अ चांस टू एक्ट, वी विल हैप्पीली बी अवेलेबल. I have done this Blink short film as well as I have done some Gujarati films. First was Hardik Abhinandan and my second is in post. And also the short films as well as Hindi television and all. So we are just waiting now. After Blink, we want to work with directors like Atmaja and producers like Akanksha. So just waiting for a good feature film now. I've been heavily influenced by science fiction films and dramas right from my childhood. Also, I have a very keen interest in the study of physics, and I'd like to associate everything that I read to real life, because uske bagair to koi cheez ka connection nahi hota. So that is one of the reasons that this film came about. After this film came, I mean, the idea came to me. I started reading a lot. I spent about 6-7 months just trying to understand the physics, its theories, and then the film came about. Actually, एग्जीक्यूशन वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बहुत कम था और उसके बीच में इतना सब दिखाना था, तो ये मेरे लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल था. बट बिकॉज आई हैड सच फैंटास्टिक कास्ट, मेरे लिए ये थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं. जैसे आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि उनके परफॉर्मेंस में ही कहानी दिख जाती है. सो आई वॉज वेरी लक्की और माई कास्ट एंड क्रू हैव बीन फैंटास्टिक. एक्चुअली हमारी इसके पहले भी एक फिल्म पाम स्प्रिंग्स और क्लेमॉन फेरान फ्रांस में गई हुई है. हमारे ज़्यादातर काम फिल्में वहीं पे जाती हैं, बट ऑफकोर्स ये वाले साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई होना, सिलेक्ट होना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया से हमारा एज अ फीमेल फिल्म मेकर हमारा पहला एंट्री था. एशिया से भी बहुत कम फिल्में गई थी, पर हमारा क्वालिफिकेशन हुआ, यही बहुत बड़ी बात है. सो एक्चुअली एग्जीक्यूशन का तो काफ़ी पहले से प्लानिंग हुआ था, लेकिन लाइक इट हैपन्स इन एनी प्रोडक्शन, लास्ट मिनट काफ़ी चेंजेस होने लगे, तो एग्जीक्यूशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था मैं बोल सकती हूँ. लेकिन क्रू और कास्ट का काफ़ी सपोर्ट था हमें और बहुत कोऑपरेटिव थे, सो बहुत से चीज़ें हमारी आसान हो गई. वैसे इतनी दिस इज़ आवर सेकंड फिल्म टुगेदर. सो फर्स्ट वाज अंटिल डेथ, व्हिच वाज द वन दैट शी सेड दैट गॉट स्क्रीन्ड इन पाम स्प्रिंग्स इन क्लेरमोंट फ्रेन. सो उसके लिए भी हम मतलब दिस इज़ आवर सेकंड फिल्म टुगेदर, तो एक केमिस्ट्री हो गई है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, तो दैट मेक्स इट ईजियर. हमें भी पता चलता है कि कैसे करना है क्या. एक्चुअली आजकल ट्रेंड काफ़ी बदलने लगा है, इंडियन ऑडियंसेस आर ऑल्सो ग्रोइंग, दे आर एडवांसिंग इनफ, उन्हें भी आजकल नई चीज़ें देखना पसंद है. सो आई एम होपिंग द रिस्पॉन्स विल बी वेरी गुड. Are you planning to do something different right now? Iske baad there are a few science fiction short films and another web series that I am writing. So let's see kya hota hai. Ek science fiction film usne mujhe sunayi thi, aur actually science fiction agar hame karne mile to we are like the lucky actors, because science fiction hamare yahan pe hota nahi hai. और फीचर में नहीं होता, और शॉर्ट फिल्म्स के लिए कोई साइंस फिक्शन के बारे में सोचता भी नहीं है. सो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट फॉर अस, और चैलेंजिंग भी था बहुत, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है रियलिटीज़ में शिफ्ट होना, दो अलग अलग रियलिटीज़ में शिफ्ट होना, दो पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में सोचना, ये बहुत ही डिफरेंट था. और हम लोगों ने जब ये स्टोरी सुनी तभी हम यही सोच रहे थे कि जब ये दिखाएंगे, जब इसकी फिल्म करेंगे, तो ये कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी ये फिल्म. तो लेकिन फिर जब ही हम लोगों ने, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोगों का बाकायदा रिहर्सल हुआ, वर्कशॉप अरेंज किया था आत्मजा ने और आकांक्षा ने, और तभी इस फिल्म का ज़्यादा हमें जो मीनिंग था उसका, आत्मजा क्या करना चाहती थी, वो ज़्यादा समझ में आया. और केमिस्ट्री बिल्डअप होने के लिए हम लोगों में बहुत ही उसका एक हेल्प हुआ. और फिर जब भी शूटिंग के लिए आए तो इट वाज मच ईजियर.
क्योंकि हम लोग क्लियर थे, आत्मजा भी क्लियर थी, हम लोगों में केमिस्ट्री भी अच्छी बन गई थी और पूरी टीम और बाकायदा जो हमारे डायरेक्टर हैं आत्मजा और हमारी प्रोड्यूसर आकांक्षा, सबसे पहले तो उनका अप्रोच ही इतना अच्छा है कि जो बंदी शॉर्ट फिल्म के लिए इतना परफेक्शन चाहेगी, मतलब वर्कशॉप्स तो सिर्फ लोग फीचर फिल्म्स या थिएटर के लिए रखते हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म के लिए वर्कशॉप रखना सबसे बड़ी बात, वही मुझे अच्छी लग गई, सो मैंने हाँ कह दी। और दूसरी बात की साइंस फिक्शन फिल्म, अब ऐसा है कि आजकल बहुत से सारे लोग स्पिरिचुअल की तरफ जा रहे हैं, बहुत से लोग एलियन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लोगों को अब पता चलने लगा है कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है, रियलिटी है या फिक्शन है या क्या है, तो ये फिल्म भी उसी रिलेटेड है।